पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें मत्स्य अवतार पहला अवतार था। जल प्रलय के दौरान ऋषि मनु को बचाने और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए भगवान ने मछली का रूप धारण किया। अपने दूसरे अवतार कूर्म अवतार में भगवान ने कछुए का रूप लिया और मंदार पर्वत को पीठ पर उठाया, जिससे सागर मंथन हो सका। तीसरा अवतार वराह अवतार था, जिसमें वह आधे मानव और आधे सुअर के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। नरसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा अवतार मानते हैं, जिसमें उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। वामन अवतार में भगवान बटुक ब्राह्मण के रूप में आए और 3 कदम में 3 लोक नाप कर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। भगवान विष्णु ने 6 अवतार में परशुराम के रूप में आकर क्षत्रियों के विध्वंस से संसार को बचाया था। त्रेता युग में भगवान ने श्रीराम का अवतार लिया और रावण के आतंक से संसार को मुक्त कराया। द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना के लिए महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। विष्णु जी 9वें अवतार में गौतम बुद्ध के रूप में आए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा और इस अवतार में भगवान धरती के सभी पाप का विनाश करेंगे और फिर सतयुग की शुरुआत होगी।